आप एग्जैक्ट किसी स्प्रिट से बात कर सकते हो या बुला सकते हो उसको बहुत गंदे लेवल पे हमसे वहां आधा घंटा नहीं रोका गया प्यार अपने आप निकल अच्छा। तीनों मर जाते हैं और जब से वो तीनों की ही वहां पर स्प्रिट आज भी उसकी रक्षा कर रही है और ऐसा पहला चर्च है जहां पे कोई रात को भी नहीं रुकता है देखा भाई प्रॉपर ब्लैक शर्डो प्रॉपर मतलब कोई उसका फेस नहीं कुछ नहीं बस ब्लैक था वो पूरा वो खड़ा है गुम्बद के ऊपर अच्छा क्या वो? कुछ नहीं मेरे को एक सेकंड के लिए लगा जैसे पीछे से तो कोई गया है <laughs> ओ भाई <laughs> भाई भगवान कसम भाई हैं? भगवान कसम एकदम से ऐसा ऐसा इंस्टिंक्ट हुआ कि साइड में कोई गया है इधर इद, की साइड हाँ स्क्रिप्ट ने नहीं भाई मां कसम भाई मुझे एक सेकंड के लिए जैसे मैं ऐसा ऐसे बैठा हुआ था ना तो एकदम से ऐसा लगा जैसे कुछ ओ फक भाई भाई डराने वाले हो तुम नहीं नहीं भाई तो भाई डराओ ना मेरे को डरना है <laughs> फिर भाई यहाँ बैठ के डरना चाहूंगा <laughs> नहीं नहीं भाई तुम्हारे आने के लिए लगाया मैंने मैंने कहा भाई कुछ गलत चीज ना आए और भगवान हमारा साथ रहे जय श्री राम सभी को शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना भाई हॉरर स्टोरी अगर तुमने सुनी होगी तो भाई के मुंह से तो जरूर सुनी होगी और मैं तो भाई बहुत दिनों से सोच रहा था मैंने कहा भाई के साथ में एक हॉरर पॉडकास्ट करते हैं बट हॉरर के साथ में ना मैं भाई को भी जानना चाहूँगा क्योंकि यार देख सेशन हमारा वो भी है जो हम पकड़ना चाहेंगे हॉरर भी पकड़ना चाहेंगे लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा भाई ये इस फील्ड में आने का मकसद क्या है तो भाई मैं आप सबसे मिलवाता हूँ दीपक भाई से दीपक भाई कैसे हो भाई सबसे पहले जय श्री राम सभी जय श्री राम भाई सबसे पहले भारत माता की जय जय श्री राम भाई मैं एकदम मस्त और बढ़िया भाई मैं तो ना ये जानना चाहता हूँ तुमसे ना अब देखो बैक एंड पे हमने बहुत सारी बातें की लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये फील्ड क्यों चूज करी मस्ती में मस्ती में पहले <laughs> मजबूरी में किया था अब मजा अब मजा आ रहा, रहा है अब हम वो गुड्डू ने रे जो बचपन में लिबर लिबर <laughs> <laughs> के कह रहे भूत के सामने जाके बोलेंगे दीपक नाम तो सुना ही होगा ना अब तो सुन लिया तो सुन ही लिया होगा आसपास के जितने ऑलमोस्ट मतलब गूगल की जो फेमस लोकेशन है अगर सौ लोकेशन होगी तो उसमें से नाइनटी फाइव हमने कवर कर रखी है अच्छा हाँ। भाई ये इसके बैकएंड की स्टोरी बताओ पहले मेरे को फिर फिर बात करेंगे भूतों की तो ना बैकएंड पे भाई कोई ऐसी स्टोरी नहीं है मैं बताता हूँ क्या है हम हाँ है ना ऐसी दोस्त यारों के साथ ना मोमोज खाने जाया करते थे ये दो हजार की बातें हैं नई नई गाड़ी ली थी अच्छा

क्या ही हॉन्टेड मूवीज में भाई वो हवेली दिखाते होंगे गोल स्टेयर्स ये वो मैंने कहा भाई फटी तो लेकिन भाई पाँच सौ का सवाल था शर्त लगी हुई थी अब मैं चला गया छत पे और मैं बस ये था कि वहां से एलो कर दियो हो हमें अच्छा जाके मैंने कर दिया एलो तो सबको बहुत बड़ी बात लगी यार मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने यार उस मतलब जितने घड़े थे कोई घुसे ना उसमें ये होगी भाई औरों के लिए बड़ी बात मेरे को तो ऐसे कोई लगी नहीं फिर ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्टेंट सूझा कि यार इतनी बड़ी बात है क्या? तो दिमाग में उस उस था था कि भूत-भूत कुछ नहीं होते, ना 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 मानते थे मैं उस भगवान को मानता ना, एक ऐसी। मजे मजे में हाँ। उसके अगले दिन अच्छा हाँ एक हमने पकड़ी दिल्ली की नंबर वन हॉन्टेड प्लेस दिल्ली कैंट रोड उसके बारे में गूगल पे मतलब बहुत बड़े बड़े आर्टिकल थे कि यहाँ पर भाई फौजी भी है ना मतलब रात के आठ बजे के बाद निकलते और लिटरली वहां पर फौजी भी रोकते हैं रात को जाने से कि भाई और है कुछ अच्छा हाँ कुछ चढ़ जाएगा ऊपर और साथ में दरगाह बनी हुई है उस पर आए दिन केस कि कल रात ये यहाँ से घूमने लिख था कल से खाना नहीं खा रहा आँख ऊपर चढ़ गई है इसकी मैंने कहा भाई ऐसा क्या हम रात को निकड़े आई आईफोन सेवन था हुआ था दो हजार सोलह सत्रह में अब हमने कहा भाई इसकी वीडियो शूट फोन से हमने वीडियो शूट करी ऐसी पहले जो एक घर बता रहा था मैं राजपत नगर का है। और डाल दी अब उसके नीचे भर भर के कमेंट अब क्या था हमारा ग्रुप था एक दोस्त यार होगा पांच सौ सौ सब्सक्राइबर आ गए अब भाई उस पर नीचे भर भर के कमेंट अरे भाई यहाँ क्यों जा रहा दिल्ली भानगढ़ जा ये क्या है भानगढ़ ये कौन सी बला है ये क्या है <laughs> भाई भानगढ़ के बारे में हमारा सर्च अब भानगढ़ के बारे में जब भाई आमिर खान ने कोई एक वो दिया था एक बहुत पहले बयान कि भानगढ़ में मतलब हॉन्टेड है एशिया का नंबर वन वॉन्टेड आया कुछ था प्रमोशन के लिए तो भाई नेट पर भी एशिया नंबर वन हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ भाई हम अगले दिन भानगढ़ अच्छा दूसरा दूसरी place? वीडियो ही भाई एशिया के नंबर वन वेड प्लेस की अच्छा हाँ अब हम पहुंच गए भाई वीडियो वीडियो शूट करी और वहां पर गाड़ी अकल उतनी बात करेंगे भाई हाँ। अब गाड़ी दे रहे हैं भाई किसकी भूत ये वो रात तेरी सामने आई हो एक बार साड़ आई है ये वो वो अभी भी डली हुई है उस पर ही अच्छा हाँ चार पाँच पांच छह साल पहले की वीडियो भी डली हुई है अब हम गाड़ी दे रहे हैं वहां दबा के और आगे घर घर अब भूल गए भाई डाल डूल आठ महीने आठ महीने बाद ना चैनल देखा भाई तीस हजार सब्सक्राइबर और दोनों वीडियो मिलियन में पहुंची हुई मोटिवेशन <laughs> <laughs> तो, हाँ। भूत भूत की तो साइड करते हैं अभी, अभी तो मोटिवेशन है? है बस भाई अपने गाड़ी उठाई हम ऋषिकेश ऋषिकेश जो भी आसपास के जितने भी है मेरठ में था एक मेरठ कैंट के अंदर बहुत दिल्ली के फिफ्थ फोर नंबर पे आती है वो जगह दिल्ली कैंट में एक अंदर बंगला बना हुआ है वो हमने सारी लोकेशन छान मारी करीब दो से ढाई साल मैं एक नॉन बिलीवर था और मैं यही मानता था कि भूत नहीं होते हैं दो से ढाई साल दो से ढाई साल और दो से ढाई साल में कितनी प्लेस डेढ़ सौ वीडियो मैंने बना दी कम से कम और एक दिन भी एक चीज़ एक नहीं दिन भी कुछ नहीं फील हुआ अच्छा जी आराम से मैं यही तो कॉन्फिडेंस था मैं दूसरों को जो एग्जाम्पल देता था ना वो भी इसी बात का देता था कि अगर कोई चीज होती तो सपने में तो आके बोलती कि ज्यादा हीरो मत बना बनाकर कल से मत आओ मतलब ऐसी कोई चीज है ही नहीं यही से मोटिवेशन मिला भाई काम करने का मोनेटाइज हो गया चैनल पैसे वैसे आने लग गए एक दिन किसी ने बता दिया एक अम्बाड़ा होटल है वहां जा वहां बताते हैं कुछ है ऐसा भाई अम्बाड़ा होटल में पहुंचा ना अब अम्बाड़ा होटल नॉर्मली गए और ऐसा लगे कि कोई गेट खटखटा रहा है कम से कम होंगे भाई उसके अंदर डेढ़ सौ कमरे होटल में अच्छा हाँ और बेसमेंट जो था ना उसका जो पार्किंग थी हाँ। पानी भरा हुआ एक मंजिल तक पूरा बारिश नहीं 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 हो अच्छा, वो होटल है, अच्छा, नहीं है। okay. होटल है वो कोई डिस्प्यूट का केस होगा कुछ होगा ऐसा कुछ चल रहा होगा वो तो ये चीजें हम हम वहां पहुंचे तो भाई मैंने कहा यार ये कुछ तो है अब दिमाग में क्योंकि मेरे भूत एक परसेंट नहीं मेरे दिमाग में तो कोई बंदे बंदे घुसे में लूट पाट ये सब नशेड़ी नशेड़ी वड़ी यही सब मेरे दिमाग में चल रहा हाँ। अब भाई पूरा छान मारे कुछ नहीं मिला लेकिन वो आवाजें इतनी ज्यादा थी ना कि दिमाग में उस दिन दस से पंद्रह परसेंट आया कि शायद हो सकता है कुछ तो हो सकता है हाँ। फिर क्योसिटी जागी भाई इन चीजों की और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम गए तो वहां पर कोई आवाज नहीं कुछ नहीं हम घर आए मैंने कहा चल कुछ न जाना घर पे आके देखा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ सारा डाटा करप्ट थर्ड टाइम गए और जब हम थर्ड टाइम पहुंचे ना तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने इंडिया का एक ऐसा मतलब इंडिया में किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ना ऐसा प्रूफ नहीं रिकॉर्ड करा होगा जो हमने करा क्या था भाई वो वो डालना जरूर भाई मैं आपको ना क्लिप दूंगा उसमें क्या है एक चीज एक कमरे से दूसरे कमरे में गई है साफ साफ हुँ. और जब इस चीजों की पढ़ाई करी ना फिर मैंने यूरोप से कोर्स किया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ऑनलाइन कोर्स होता है एक तो उसके अंदर स्पेस डिस्टॉर्शन होता है जब कोई एनर्जी मूव करती है ओके। पीछे से सब कुछ डिस्टॉर्ट होता चला जाएगा वो दिखेगा आपको उसके अंदर कि कोई चीज निकल रही है और पीछे से हवा पूरी डि... मतलब डिस्टर्ब हो गई सब कुछ स्पेस डिस्टॉर्शन बोलते हैं इसको

तो वो उसमें रिकॉर्ड हुआ फिर हम बाकी कमरे में भी गए जिस कमरे में मूव हुई वो चीज वहां भी हमें कुछ नहीं दिखा लेकिन वो एक चीज रिकॉर्ड हुई तो उसके उस से दिन भरोसा हुआ उस दिन दिन भरोसा भरोसा हुआ होने लग गया कि कोई चीज होती है फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की तरह काम किया बहुत दिन यार ये बहुतों को पता नहीं होगा कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो इन्वेस्टिगेशन जो करते हो उसका कोर्स होता है जैसे आप बता रहे हो कि यूरोप से कोर्स किया है भाई उस के बैकएंड पे मतलब ये क्यों होता है कोर्स पहले ये बताओ देखो मेरी बात सुनो ये एक पहली बात तो है ना कोई प्रूवन नहीं है ओके okay. ये थ्योरी बेस्ड है सारी अच्छा ठीक है किसी भी कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की लाइफ है ना सिर्फ इस चीज़ में निकल जाती है कि, कि वो एक हार्ड प्रूफ कैप्चर कर सके जिसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे और बता सके कि भाई ये चीज़ है एग्जिस्ट करती है तो पैरा नॉर्मल वर्ड जो है वो ये है कि जो नॉर्मल नहीं है और जिसको कोई आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे अभी हम बैठे हुए हैं यहां पे बातें कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज हो जाए लाइट एकदम से ब्लिंक हो जाए कुछ हो जाए अब वो एक अंदाजा लगाते रहो कि भाई यार तार हिलगी होगी ये हो गया होगा खुद खुद ही ही तो हो गया होगा तो करते हैं ना ठीक है ये हो गया होगा क्या पता तो यही पैरा नॉर्मल है अच्छा कि आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या आपके दिमाग में रह जाए जैसे आपने मेरे को भी बताया कि मेरे साथ एक औरत मेरे को भी दिखी थी ऐसा कुछ हाँ, सीन हुआ था हाँ. तो वो तो आपके दिमाग में है लेकिन वो आपको पता आप कंफर्म नहीं हो उस चीज के लिए था क्या वो वो है पैरानॉर्मल तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में बताया जाता है कि आप कुछ गैजेट्स के थ्रू क्या ये वो उनका उनका जो मानना है ना वो हमारी वाले वेद और ग्रंथों से बहुत अलग है वो साइंस के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं एनर्जीज वो भूत बात ये नहीं बोलते एनर्जी एनर्जी है फ्लक्चुएट होती है एनर्जी कहाँ कहां लेकिन दोनों चीज़ें काफी ज़्यादा सिमिलर हैं और वो मैं आपको थोड़ी सी आगे बताऊंगा कैसे अब इसमें क्या पैरानॉर्मल साइंस में आपको सिखाया जाता है कि किस किस आप एनर्जी को मीटर ई मीटर के थ्रू जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं पी एस वो वो गैजेट्स यूज करती हैं बम माइंस ढूंढने के लिए अच्छा कहीं से एनर्जी आ रही है तो वो जो गैजेट्स हैं वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं कैसे जा रहे हैं ओके okay. वही हम यूज करते हैं एनर्जी को फाइंड करने के लिए ओके okay. ठीक है लेकिन हर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का हर पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका काम करने का तरीका अलग अलग होता है हुँ. अब कई क्या करते हैं सीधा ही चले जाते हैं घुसेड़ देते हैं गैजेट अब एक बात बताओ आपने बहुत किस्से सुने होंगे गांव वालों से

आपके साइड से दो बाइक वाले निकल गए ना तो आपको पता लग जाएगा क्या किस इरादे से हाँ। है ये वो ये ये सबसे बड़ा गैजेट है समझ रहे हो आपको पता लग जाएगा ये नॉर्मल जा रहा है या फिर ये हमारे पीछे अमारे, आ रहा है हमारे लिए ही आ रहा है और जिसको नहीं पता लग रहा है तो फिर वो उसके गैजेट ही ले हुए समझ लो नहीं तो इस गैजेट से सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि भाई क्या है यहाँ की साइंस क्या है यहाँ पर समझ में आ रहा है चीजें नहीं आ रही क्या है क्या नहीं है फिर अगर आपको कई जगह ऐसा होता मैं गया हूं मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा मैं गैजेट यूज भी नहीं करता वहां पे अच्छा निकाल जब हाँ जब फील ही नहीं हो रहा कुछ तो आप क्यों गैजेट जबरदस्ती देखना गैजेट का सिर्फ इतना है कि आप उस चीज से कॉम्युनिकेट कर सको ओके okay. अब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पे आ जाओ आप आप गए किसी लोकेशन पे आपने देखी कि भाई ये लोकेशन ऐसी है और यहाँ पे कुछ फील हो रहा है मुझे अब आपके पास गैजेट्स हैं जैसे कि लाइक मोशन सेंसर अब मोशन सेंसर क्या है एक लाइट है जो किसी के पास आने पे जल जाती, जल है।, जाती है अब वहां से कोई लाइट की स्पीड से भी चीज निकलेगी ना तो जल जाएगी इतनी सेंसिटिव है वो ओके ठीक है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई यहां पर अगर कोई ऐसी चीज है तो इसके पास आए और उसको जलाए अब इसको एक परफेक्ट कॉम्युनिकेशन कैसे बनाया जाता है कि इसको इतनी बार जलाओ एग्जैक्ट इतनी बार ये करो एग्जैक्ट जब वो एग्जैक्ट चीजें होने लग जाए तो समझो फिर एक बार तो चलो मच्छर उड़ गया हमें भाई दूसरी बार मक्खी उड़ गई हाँ। मैं बता तो रहा हूं आपको हाँ। मैं काफी लोगों के मन में भी सवाल उठेंगे हाँ। जो आपके मन में उठा तो लेकिन परफेक्ट कॉम्युनिकेशन जब होगा जब वो चीज एग्जैक्ट अब आपने बोला आप मेल हो या फीमेल तीन बार जलाओ तो मच्छर एकदम एक दो तीन ऐसे थोड़ी भागेगा तीन बार जल गई फिर मतलब और ये भी चलो एक बार हो गया फालतू में इंसिडेंट हो गया आपने दस सवाल पूछे दस में से नौ आपके ऐसे आएगी एग्जैक्ट तो वो परफेक्ट कॉम्युनिकेशन है इसका मतलब यहाँ पर कोई एनर्जी कॉम्युनिकेट कर रही है हमसे और एग्जिस्ट करती है मतलब आवाज वाज नहीं आती जो लोग बोलते हैं बिल्कुल आती है आती है हाँ कैसी आवाज़ सुनी है कभी भाई एक तो ना आपको आभास रहेगा ऐसी आवाजें आती हैं जैसे मैंने जो सुनी है कई जगह कि कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं अच्छा हाँ कोई खुशफुसा रहा है कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं कोई रो रहा है के आती है हाँ। चिल्ला रहा है कोई तो जियो फोन होते हैं कुछ आ, जियो फोन होते हैं मतलब जो इतनी माइक्रो उसको भी आवाज को पकड़ सकते हैं ओके। जो आपके नॉर्मल ईयर नहीं सुन सकते हैं तो हम ऐसा भी कर लेते हैं कई बार वहां पर नॉर्मल रिकॉर्डिंग करके ले आते हैं घर पे आने के बाद उसको हाई डेसिबल पर जाके सुनने की कोशिश करते कुछ हैं पर कुछ है था नहीं था बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन मैंने इसके अंदर नया क्या आजाद किया एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ ना अपने जो क्रम है ना इनको जब आप पढ़ोगे ना मैंने पढ़ी भाई रावण संहिता जब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया तब की बात कर रहा हूं मैंने पढ़ी रावण संहिता रावण संहिता के अंदर तो इसमें भी मैं पूछूंगा एक चीज बट मेरे को पहले एक चीज बताओ जैसे आप बता रहे हो नास्तिक थे आप तो आप हुँ. आस्तिक कब बने मतलब ये कौन सा ये ये यही ये, ये, ये मोड़ था भाई जब भूत है तो भगवान भी है हाँ। सब उल्टा कहते हैं सब कहते हैं भगवान 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 है तो, तो भूत भी है फिर मैंने नहीं मेरे को एक हमारे यहाँ के पंडित थे उन्होंने कहा कि तू इन जगह को मत जाएगा इसे थोड़ा पास लेकिन हाँ कम से कम आवाज क्लियर आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू ऐसी जगह पर ना मत जाया कर मुझे तेरी बड़ी फिक्र होती है मैंने कहा क्यों तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू ज्यादा कुछ मत कर एक बार ना रावण संहिता पढ़ी हो रावण संहिता का हिंदी ट्रांसलेट है छोटा ही ज़्यादा बड़ा नहीं है आप चालीस दिन में पूरी पढ़ लोगे अगर दिन के तीन चार घंटे भी पढ़ते हो तो रावण को इतना पावरफुल बताया गया है ना रावण के पास उस बुक के अंदर एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि अगर आप वो क्रिया करोगे जो भी है आप एग्जैक्ट किसी स्पिरिट से बात कर सकते हो या बुला सकते हो उसको अच्छा बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ उसमें। अब हमने देखी वो कोई नहीं, नहीं। आ, बोलो, बोलो बोलो अच्छा तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है सारी इसकी सारी क्रिया है कि आप एग्जैक्ट कैसे कैसे क्या, क्या क्या कर सकते हो अच्छा मैंने ये पढ़ी फिर मैंने अपने कुछ वेद ग्रंथ पढ़े पहला भूत किसी राजा को मिला था उसके बारे में पढ़ा अच्छा कैसे उसने मुक्ति ली तो फिर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लग गया तो तो मेरे को समझ में आया कि नेगेटिविटी कितनी भी स्ट्रांग हो पॉजिटिव चीज़ों से स्ट्रांग नहीं हो सकती है फिर मैं बताता हूँ जो मेन मेरा स्पिरिचुअलिटी में जाने का जो वो बना मैं भाई एक शमशान घाट चला गया एक तो भाई आप इतनी इजीली बोल देते तो, ना मैं शमशान घाट चला गया <laughs> मतलब... भाई जब कुछ चीज़ ऐसी पकड़ रखी है तो मैं एक शमशान घाट गया भाई तो सबसे ज्यादा किस्से हैं उस शमशान घाट के कौन से शमशान घाट है ये द्वारका सेक्टर आठ में पड़ता है मेहंदी पार्क के पास अच्छा एक साइड शमशान घाट है एक साइड तालाब है वहाँ पे उस तालाब में ना मटके ही मटके पड़े हैं तो लोग टोने टोटके ये सब करके जाते हैं अब वहाँ पर ना सुबह सुबह चीता चली होगी शाम को मैं चला गया वहाँ पर वैसे मेरी नाक खराब है जब से कोविड हुआ है अच्छा हाँ मुझे नहीं पता मेरे को स्मेल नहीं आती है पर वहाँ राख की स्मेल आ रही बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे पास ही कोई राख बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल मुंह पे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से और मैं चला अलोन चैलेंज करने गया ना मेरे साथ कोई कैमरा मैन था ना कोई था अच्छा अकेले अकेला रात के, तो के बारह बजे मैं घर आया भाई मेरे बुखार मैं आठ दिन बुखार में पड़ा रहा और मेरी थॉट ऐसी हो गई इतनी नेगेटिविटी इतनी नेगेटिविटी कि सुसाइडल थॉट दिमाग में आ रही हैं अच्छी तू कुछ नहीं कर सकता तू मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया मैं भाई कि जैसे पता नहीं क्या हो जाता ना जो कि सब खत्म हो गया हाँ मैं जैसे कि अब जैसे अब अब हमारी थॉट है अब हम सोचते हैं सारी ये ये काम करे ये काम करे अब ऐसे ही थॉट वाला एक बंदा देखा था मैंने वो इसलिए परेशान उसकी बंदी का फोन नहीं आ रहा वैसे ही हो गया मैं भी <laughs> मैंने कहा यार क्या हो गया लाइफ में यार मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ करूं तू नहीं कर पाएगा सब चीजें लाइफ में बहुत हार्ड लग रही, रही है बहुत हार्ड लग रही है सब चीजें लाइफ में अच्छा कुछ दिमाग में मतलब ब्लॉकेज होती है ना कि आप कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पा रहे हो कुछ काम धंधे सोच ही नहीं पा रहे हो ऐसा हो गया मैं भाई मेरे को फिर वही पंडित जी ने बताया ये आजकल रील में बड़ा वायरल है मैंने बोला था जब हर समस्या का हल एक लोटा जल उन्होंने कहा तू महादेव जो है एक लोटा सुबह बस चल चढ़ाना शुरू कर भाई भगवान ही कैसा इक्कीस बाईस दिन मैंने ये काम किया इक्कीस बाईस दिन भाई मैं स, तभी तो कह रहा हूं मैं आपको कि कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी हो पॉजिटिव चीजों के नीचे ही रहेगी मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें आई ना और अब आप मेरे को किसी जगह अभी आप मेरे को बोलो कि शमशान घाट में सोजा किला मैं चार बजे सो जाऊंगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है फिर मैंने वेद ग्रंथ पढ़े अब मैं क्या कर रहा हूं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को नेक्स्ट लेवल पे हम ऐसे लेके जा रहे हैं कि हम वेदों ग्रंथों मंत्रों के थ्रू इन चीजों को पॉडकास्ट में बताओगे पॉडकास्ट में नहीं लेके आएंगे ऑन कैमरा कुछ ना कुछ ऐसे हार्ड जैसे मैं बता रहा हूँ ना हमने अम्बाला होटल में कुछ कैच किया हाँ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कैप्चर करने की और कोशिश करेंगे लाइव लाइव ओके और ये मैंने करी भी। हमने रावण सहिता का एक मंत्र पढ़ा भूतेश्वर महादेव हाँ वो मैंने देखा रील में बहुत वायरल हो रहा था हमने एक ऐसे कुछ मंत्र बहुत आ, मतलब रील में वायरल होते ना हाँ आपके हाँ हाँ तो सुना था मैंने शायद हाँ हाँ बताओ उसके बारे में भाई भूतेश्वर महादेव अब ये अलग लेवल की जगह है भाई अगर कोई घोष्ट नहीं मानता हो ना कोई दुनिया में कहता हो यहाँ चला जाए वो भूतेश्वर महादेव अब ये महादेव का एक ऐसा रूप है जो घोष्ट को संरक्षण देता है उनको मुक्तियाँ देता है अच्छा हाँ ये 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 वैसे पूरे भारत में पांच छह जगह है ओके। अब ये बताया जाता है ये एक डायमेंशन है ये डायमेंशन मतलब एक दरवाजा है ये दुनिया दूसरी, दूसरी दुनिया में एंटर और एग्जिट करने का अच्छा हाँ अब यहाँ पे भाई करीब पांच हजार जो हमारे साधु संत थे ना हाँ। वो समाधिया ले चुके हैं जब साधु संत हमारे समाधि लेते थे ना वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में जलाया जाता है हम्म लेकिन जब साधु समाधि लेते थे ना तो वो बैठ जाते थे ऐसे करके हाँ। और उनके ऊपर वो डाल दिया जाता था और पांचवा स्तंभ बीच में गाड़ दिया जाता था स्तंभ उससे पता लगता था यहां पर किसी महात्मा ने समाधि है पांच हजार साधु ने समाधि ले रखी है स्तंभ हुए हैं और नारियल के ऊपर बिठा ले के लेके आते हैं वहां पर मुक्ति दिलाने के लिए आत्माओं को लोग अच्छा हजार दो हजार नारियल पड़े हैं वहां चले गए भाई मैं और यह बिल्कुल अकेले मैं और मेरा कैमरा मैन अभी वो जगह ऐसी है भाई

जो उनकी पावर के अंदर हो हाँ। अब जैसे दिन की जो एनर्जी होती है वो ट्रैफिक चल रहा है एसी ये सब कितनी सारी चीजें मतलब एनर्जी कितनी हाई पावर में है दिन में वो दिन रात को सब माहौल शांत होता है तो रात को उनकी दुनिया शुरू होती है और वहां पर ऐसी जो आइसोलेटेड जगह होती है ना जंगल जहां पर एनर्जी है ही नहीं मतलब मोबाइल टावर भी नहीं आ रहे नो सर्विस दूर दूर तक आप दस बारह बारह किलोमीटर पर कोई बल्ब चला दिख रहा है वहां पे होती हैं सारी बहुत स्ट्रांग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग अब वो ऐसी जगह है जहाँ पर तीस तीस किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं है भाई वहाँ का जो पुजारी था ना दो साल पहले वो भी छोड़ के भाग गया अच्छा हाँ उसने हमें पहले दो साल पहले भी हम गए थे उसने हमें परमिशन नहीं दी थी ओके वो घर था अंदर जाके बस ये वर्ड मत बोलना कि चलो अरे हम बार बार यही बोल रहे हैं <laughs> चलो भाई चलो हाँ ये होता है ना कि जैसे पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बोलना चाहिए चलो चलो या साथ रहो या साथ चल या कुछ ऐसा चलने से रिलेटेड चलने से कि साथ में साथ में चलने से हाँ। रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए ऐसी नेगेटिव जगह पे जाने की तो भाई इस जगह भी हम गए हमने साथ बोला हाँ भाई बिल्कुल चलो हाँ चलो भी बोला मैंने तो सेकेंड टाइम जाके बिल्कुल कुछ ना कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कराया हमने तो वहाँ पे ब्लैक शेडो अच्छा हाँ है रिकॉर्डिंग वो भी रिकॉर्डिंग है वो तो वीडियो डली हुई है भाई देखो पहली बार जब मैं गया ना तो मैं अपनी प्रोफेशनल टीम के साथ नहीं गया था ओके हम गए ऐसी यार दोस्तों के साथ मैं आ रहा था गोवा से गाड़ी लेके कर यहाँ से फ्लाइट लेके गए थे और दोस्त यार पहले गाड़ी लेके पहुंचे हुए थे हमने वहाँ से वो उठाई गाड़ी और दिल्ली आ रहे थे और तो रास्ते में पड़ा जैसलमेर उधर की साइड से आए हम घूम के हाँ बहुत घूम के आए हुए जैसलमेर पड़ा तो हाँ <laughs> <laughs> अब हम पहुँचे तो वहाँ पे मैं किसी ने बताया भाई भूत देख रहे हैं हम कुलधारा गए थे शूट करने कुलधारा शूट करा था मैंने अच्छा एशिया का नंबर सेकेंड प्लेस वहाँ कुछ नहीं है और भाई आपने वहाँ भी नहीं बताया मतलब भानगढ़ में भी कुछ नहीं है यहाँ पे भी, भी कुछ नहीं है भाई ऐसा हो वो देखो मेरी बात सुनो मैंने आपको बताया था ना ऑफ कैमरे अपने बात करी थी हाँ. क्या होता है कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता अब मैं पांच बार गया हुँ. तो हो सकता है तीन बार वो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंस ना हो प्रेजेंस ना हो हाँ ऐसा भी होता है तो मैं एक बार कुलधारा गया हूँ शायद उस टाइम वो चीज़ वहाँ पर और वो ना हो वहाँ पर या वीक हो इनके इनके भी डेज होते अच्छा, डेज होते होते हैं हैं अच्छा मतलब मतलब जिस दिन पूरा चांद नहीं निकलता उस दिन ये बहुत होते हैं अच्छा अलग अलग अब जैसे होली का जो होली की रात हाँ। को बताते हैं दिवाली की रात को एनर्जी पीक पे होती है अपने तो ऐसे होता है तो हमें किसी ने बताया भूतेश्वर महादेव के बारे में अब सोचो आप तो इस फील्ड के हो नहीं मैं आपके साथ चला जाऊं और आपको बोलूँ अन्नी भाई मेरा बस यार कैमरा पकड़ लियो यार और लाइट ले ले और बस शूट कर रहा है तेरे को अब हन्नी भाई खड़े हैं मेरा कैमरा पकड़ के और मैंने लगा दिया मोशन सेंसर सेंसर मोशन में हो यही तो <laughs> <laughs> तो तो हुआ और मैं दूसरों को रिस्क में भी डालना चाहता था जिनके साथ ट्रिप फन ट्रिप के पे गए थे हाँ। क्यों खामा उनकी ट्रिप खराब करी भाई उनके तो भाई तोते ऊपर नीचे हर ले चले ले भाई ज्यादा मजाक ना करें करते मैंने कहा भाई कोई नहीं थोड़ी सी और कह रहे ना भाई ना समझा कर वैसे उन्होंने वैसे, वैसे तो गेट तक पता क्या कह रहे थे घंटा मेरा चल अकेला रुक जागा तेरा भाई अब जैसी ये हुई यार इन चीजों से मजाक नहीं करते समझ मेरी बात ठीक <laughs> है भाई <laughs> फिर हम एक डेढ़ साल बाद गए मैं और ये सिर्फ भाई इतनी फट गई ना हमारी अच्छा फटी बहुत गंदे लेवल पर चलो कोई सी जगह तो है कौन बहुत साथ? गंदे लेवल पर जैसलमेर में जैसलमेर में बहुत गंदे लेवल पे हमसे वहाँ आधा घंटा नहीं होगा गया पैर अपने आप बाहर निकल रहे थे अच्छा हमने वहाँ पे कसम खाई बाहर निकलने अच्छा। के बाद कि आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे अच्छा यहाँ पे आना जान को दावत देना है अगले दिन पता नहीं क्या हुआ चल यार आज लास्ट चलते हैं फिर आ गए नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं भाई जैसी है ना मतलब अलग ही भाई वहां पे जानवर भी अलग बिहेव करते हैं अच्छा आपकी तरफ कबूतर अटैक करने आएंगे अंदर कुश्ती अलग सब वीडियो में रिकॉर्ड करा हमने कौन से जैसलमेर में एग्जैक्ट जगह कौन भूतेश्वर महादेव भूतेश्वर महादेव में अच्छा अब भाई हमने ये देखा इतने में है ना कुछ पहले दिन तो मेरे को कुछ हल्का सा महसूस हुआ मैं निकल गया वहां से हाँ। इतनी देर में मैं इधर एक कुंड था जहाँ पे नारियल ज्यादा पड़े थे हाँ. मैं उसको देख रहा हूँ राकेश मेरे को बोलता भैया उधर मत देखना अब जहाँ नहीं देखना वहीं तो देखना भाई हाँ। जहाँ तो है देखा भाई एक प्रॉपर ब्लैक शेडो प्रॉपर मतलब कोई उसका फेस नहीं कुछ नहीं वो बस ब्लैक था वो पूरा वो खड़ा है गुम्बद के ऊपर और हमारी तरफ ऐसे भाई मैंने कहा राकेश ना तो बोला चल मैंने यही तो नहीं बोलना था यार मैंने नीचे से यूं करा मैंने कहा चल भाई वो तो उस गुंबद से उस गुंबद पे जैसी कूदा गोली भाई हम तो गाड़ी में सीधा और गाडी से होटल था हमारा कोई पैंतालीस से सैंतालीस किलोमीटर तक वहां तक कंटिन्यू बजरंग बाण चलता आया है कंटिन्यू दुनिया में सब चीज़ है भाई नहीं भाई हम क्या है ना अपनी जिंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं नौ से नौ क्या है हमारी औकात तो वैसे देखी जाए तो कौन है हम नहीं। भाई आज के टाइम में लोगों को पता ही नहीं भाई क्या क्यों कैसे क्यों कर रहे हैं ज्यादा मतलब आज के बच्चे जो यूथ है ना हाँ। वो थोड़ा सा ज्यादा ही कह सकते हो आप कि इंटेलिजेंट हो गया है घंटा हाँ। मेरा आईफोन में ये वो कभी उसको ये तो पता है नहीं कि मुझे क्या चाहिए इसको कैसे कंट्रोल करें इसको क्या चाहिए फंसा हुआ है वो एक चक्र में समझ रहे हो मेडिटेशन करे कोई बंदा ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता डिस्क्लेमर के साथ ये बात बोल देता हूँ किसी को अगर घोष्ट देखना हो ना कुछ ना करे वो अपना फोन फान अपने जेब में रख के ऑफ करके शमशान घाट में रात के तीन बजे चला जाए बीस मिनट मेडिटेशन करें वहाँ बैठ के अगर उसको कुछ ना फील हो जाए तो भाई मुझे बता देना वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा तो हॉन्टेड प्लेस है हॉरर प्लेस है वो एक शमशान घाट है कितने बंदों को वहां मुक्ति मिल गई है कितने वहीं रह गए हैं। उससे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस नहीं है हर कर्म करके आदमी वहां पहुंचा है हाँ। अगर ना इन चीजों पे बिलीव हो तो करके देख लेना लेकिन मैं यही बोलूंगा मत करना मत ऐसे काम ना आपको नहीं पता लगेगी बिगाड़ देगी भाई आपके साथ कभी हार्म हुआ है किसी भी सेंस में देखो ये आपको ऐसे हार्म नहीं पहुंचा सकती आप जैसे फिल्मों में देखते हो कोई आगे आपका कड़ा पकड़ लेगा अच्छा ऐसा नहीं ऐसा भाई ये चीज आपको ऐसे नहीं कर सकती है Okay. समझ रहे जिंदे जी कोई नहीं कर पाया मरने के बाद तो बेचारा बिगाड़ लेगा वो खुद दुखी है वो खुद परेशान है मुक्ति के लिए तो फिर किस तरीके से परेशान करता है वो मजा आएगा उसको आपको वीक वीक करने में कोई वीक दिमाग का बंदा होगा ना उसको वीक करने में कोई डर जाए ऐसी जगह पे उसको देखना फिर कितना डर लगेगा थोड़ी देर में ही समझ रहे हो अच्छा मैंने आपको वीक किस्सा बताया ना मेरे साथ दो तीन दिन पहले क्या हुआ मेरा टी वी अपने आप ऑन हो गया तीन बज रहे रात के भाई मैं भी है ना इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल एक चीज़ में फॉलो करता हूँ कि मैं ऐसी किसी भी लोकेशन पर ना सीधा घर नहीं जाता कभी अच्छा एक फ्लैट लिया हुआ भाई वहाँ रुकता हूँ फैमिली को क्यों भाई मैं रिस्क में डालू मेरे घर वाले तो ही चीज़ों के खिलाफ है मेरा बाप क्या है कि काम कर ले अपना क्या धक्के <laughs> <दुर रहा है। laughs> क्या बुता में रखा है तुम्हारा काम ठीक है एक लोटा लड़का हूँ भाई ना बैठना कोई भाई वैसे ही करवाड़े पर यही सही बात है भाई ये तो हाँ <laughs> तो ये चीजें आपको तोड़ देती हैं अगर आपका और स्ट्रांग नहीं है जैसे आपने अभी बताया था आप मेडिटेट नहीं करते हो आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो आप भगवान को नहीं मानते हो अच्छा ये पॉइंट था बिठा देगी भाई आपको ये पॉइंट था आपका स्पिरिचुअल साइड में आने का। हाँ। नास्तिक से आस्तिक आप ऐसे बने हो हाँ। मतलब भगवान कोई ना कोई जरिया निकाल देते हैं बंदे को आस्तिक बनाने के लिए मुझे बना ऐसा बना लगता हाँ। लगता हाँ। है तो भाई। बिल्कुल भाई क्योंकि बिल्कुल। अभी रिसेंटली हम भी होने लगे हैं थोड़े थोड़े यार चीजें चाहे वो किसी भी सेंस में हो कैसे भी आप जरूरी है भाई हाँ हर किसी के लिए बहुत जरूरी है आजकल मैं तो आपको भी यही बता रहा था कि हर समस्या का हल एक लोटा जल कोई भी अपनी लाइफ में डिफ्रेस्ड हो ना कोई भी अपनी लाइफ में वीक हो तो समझ लो अच्छा एक चीज और मैं आज किसी मैंने पॉडकास्ट में बात नहीं करी अभी मैं थोड़े दिन पहले एक ब्लैक मैजिक की बुक पढ़ रहा हूँ अच्छा। हाँ, ये कुछ करते हैं इस बारे में बात बताओ भाई कुछ फिर क्या पहले तो बताओ क्या पढ़ा आपने अभी तक मैं बताता हूँ भाई उस बुक का मैं नाम नहीं ले सकता ओके बहुत गलत तरीके से ना उसका मिस हो रहा है अपनी इंडिया में क्रिया जो हो रही हैं अच्छा हाँ और बहुत तरीके से लोग कर सकते हैं अब लोगों को क्या है लोगों को ये पता नहीं है लोग किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराते हैं ना अगर उसका खामियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ता है जिस बंदे ने कराया जिस बंदे ने कराया वो उसका भुगतान करेगा ही वो डबल उस पर बैक फायर करती है लेकिन वो सामने वाले को डुबाने में इतना वो है नाफ हाँ <laughs> कि सारा भारत में उस बुक के अगर मैं बात करूं हर तीसरा बंदा ब्लैक मैजिक का शिकार है जाने अनजाने में आप चौराहे पे आ गए किसी आपने किसी के हाथ से कुछ ले लिया खा लिया या फिर ऐसी कोई भी चीज कहीं भी और कोई भी पावर कहीं पे टच भी हुई हो आपने वहां पे गलती से छू दिया बाथरूम कर दिया उतर के जैसे हम कहीं भी गाड़ी लगा के चल रहे इनके थ्रू हर तीसरा बंदा ब्लैक मैजिक का शिकार है उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हो ये ऐसी करते हैं वीक एनर्जी आपको ठीक है आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हो आप बहुत मतलब आपको आपको दिख रहा है कि मैं लाइफ में जा सकता हूं इस डायरेक्शन में लेकिन जा नहीं रहे बंदा तो समझ लो भाई कुछ प्रॉब्लम है समझ रहे हो अपने हाथों से ही मतलब बंदा खुद ही अपनी कबर खोद रहे को, कोई किसी को नहीं डुबा सकता लेकिन वो मेंटली ऐसा हो जाता है ना निचुड़ जाता है बंदा कि वो चाह कर भी उसको पता है मेरे को पानी पीना प्यास बुझानी है गिलास लेके लेकिन वो उसमें भी सोचेगा सो बार उसको प... अब जैसे हमारी बात चल रही थी के पर, हमें हमने ये लेकिन वो नहीं कर रहा है बिल्कुल exactly भाई आपका अपने दिमाग पे संतुलन नहीं है कंट्रोल नहीं है यानी कि वीक है और यही करता है ब्लैक मैजिक उस बुक्स में ऐसी चीजें लिखी हुई है मैं आपको बुक का लिंक भेजूंगा भाई कुछ हो जाए कुछ बताओ जो जो पढ़ा आपने भाई, दिन से पढ़ रहे पढ़ाई देखो मैं ना सौ चीजें हैं उसके अंदर तो सौ चीजें हैं उसमें तो तंत्र विद्या दी हुई है लेकिन मैं इन चीजों पर ज्यादा नहीं जाऊंगा इस दुनिया में एक ही काट है सब चीज की वो है महादेव ठीक है एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी किस्सा बताता हूँ एक बार क्या हुआ महादेव और पार्वती जी है ना ऊपर बैठ के बात कर रहे थे ये शिवपुराण में लिखी हुई है बात अच्छा हम्म कि देख पार्वती जी कहती दी कितनी बढ़िया तुमने गंगा नदी बना दी देखो कि सारे मतलब कोई पाप ही नहीं बचेगा इस दुनिया में सारे पाप मुक्त हो जाएंगे क्योंकि सारे अपना इसमें पाप धोलेंगे तो महादेव कहते ऐसा नहीं है ऐसा तुझे लग रहा है कहता चल को दिखाता हूं ये दोनों भिखारी बन के नीचे आते हैं अच्छा हाँ अब दस बारह बंदे नहा रहे अब पार्वती जी से बोलते हैं उनको सबसे पूछ जाके जितने नहा के निकले ना ये नहा के जितने भी निकले इनसे सबसे पूछ कि तुमने अगर कोई पाप नहीं करा हो तो तुम मेरा ये जो है लोटा ये बस एक जल भर दो मेरे को उस आदमी से जल भरवाना जिसने एक पाप नहीं करा हो भाई किसी ने लोटा नहीं पकड़ा और एक आदमी जो निहायती पापी था कई मर्डर कर रखे हैं कई चोरियां कर रखी हैं गंगा में से लाके निकला कह रहा लाओ शंकर कह रहे इसके धुल गए पाप पाप क्योंकि इसने मान लिया कि मेरे धुल गए समझ रहे हो आप श्रद्धा और माइंड फोकस आपका ऐसा होना चाहिए आपने गंगा में आप कई आप गंगा में आपके माइंड में तब भी है नहीं यार नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं।, हुआ नहीं।, नहीं तो कुछ होगा भी नहीं भाई अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे ये सारी पॉइंट रिलेट हो रहे हैं कि दो पिन चुबाई थी माइंड का ही तो खेल था वो सब माइंड का खेल है तो पिन चुबाने पे उसको लगा कि सांप ने काट लिया हाँ। अगर आप एक बगंगा नहा के आ रहे हो इस मन से नहा के मन से नहा के आओ कि सब ठीक है सब चंगा हाँ। आप पॉजिटिविटी देखना लाइफ में उसके बाद कुछ मत करो सुबह उठो अपना रोज एक लोटा जल चढ़ाओ एक लोटा जल हर समस्या का हल शंकर भगवान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे हाँ। आप देखना पॉजिटिविटी ब्लैक मैजिक ये कुछ नहीं है आप अगले दिन से आप आप, आप मैं डिप्रेस अब ऐसे हो जाता हूं कि दो दिन मैंने काम नहीं करा ना तो मैं ऐसे डिप्रेस हो जाऊंगा क्या दो दिन हो गए यार तूने काम नहीं करा मैं ऐसे डिप्रेशन में चला जाता हूं लेकिन मैं ऐसे डिप्रेशन में नहीं जा सकता कि मुझे पता है सब कुछ तब भी मैं कुछ नहीं कर रहा किस आ, कि... किस टाइप की एंटिटीज होती है भाई अलग अलग अब देखो सबसे नीचे तो आइए वीक में आ जाते हैं ठीक है फिर इससे ऊपर आते हैं ब्रह्म फिर बेताल बेताल अलग ही अलग चीज़ें हैं अच्छा हाँ एक है ना हम जगह लोकेशन पर पहुँचे थे मोरनी हिल्स में एक बरगद का पेड़ है ओके हाँ वो लेपर सेंचुरी के अंदर आता है ये भी एक टर्निंग पॉइंट था बहुत गंदा हमारी लाइफ का हम रात के दो ढाई बजे बहुत विशाल बरगद का पेड़ भाई वो अभी भी मेरे दिमाग में आ गया मतलब उसके अंदर से भी कई पेड़ निकले हुए अलग और एकदम से भाई मेरा कैमरामैन मेरे को बोलता भैया कुछ ऊपर चला है टहनी पे कुछ चल के गया इधर से उधर बंदर हो सकता है नहीं भाई अब मैं बताता हूँ ना आपको क्या होता है ना मैं कैमरे के पीछे वो है हाँ। और उसने आज तक ऐसी बात कही नहीं मतलब उसने मेरे को कही है तो मैं उसको बहुत कंसिडर करी मैंने उस बात को मैंने कहा भाई कुछ है हमने देखा उस सारी जगह कुछ बंदर बंदर कुछ नहीं भाई जैसी मैं जाने लगा ना पेड़ के पास कोई वो वीडियो में रिकॉर्डेड है भाई कोई एक चीज मेरे ऊपर घिसट के आई है वो दिखी नहीं मेरे को लेकिन उसकी आवाज ऐसी आई कोई मेरी तरफ कोई किसी ने अटैक करने की कोशिश करी है और मैं डर गया एकदम से ही मैं बहुत गंदे हाल में डर गया मेरे मुझे गाली वाली निकल गई बहस की होता ना एकदम से ही भाई हाँ। रात को हम जो होटल पहुंचे ना होटल वाला में कहता कि भैया आप कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को मैंने यहाँ यार बरगद के पेड़ पर पे शूट कर रहे थे भाई उसका मुँह एकदम दौड़ा पड़ गया कह रहा बरगद के पेड़ पे वो कह रहा भैया बच के कैसे आ गए अब ये बता दो बस उस पर गाँव वालों का मानना है कि पेताल बेताल एंटिटी है अच्छा हाँ अब हमने बाद में पता लगा अगले दिन सुबह जो हमने वहां की बातें सुनी गाँव वालों से वो भाई उस पेड़ के आसपास ना सिर्फ चपले ही चपले औरतों की बच्चों की और कपड़े ही कपड़े पड़े रात को नहीं दिखे रात को पीछे की साइड बरगद अच्छा। के पेड़ के हाँ। भर भर के अब क्या था वहां पे उन सबने वहां पे सुसाइड किया हुआ है अच्छा हाँ जो बेताल होता है ना इसका एक दायरा होता है तीस चालीस पचास किलोमीटर का ये वहां से बैठा बैठा बंदों को मैनिकुलेट कर सकता है कि सुसाइड करने के लिए हाँ तो अब मतलब वो अपनी पूरी प्रजा बनाता है और अब वो सब वहां पर है तो वो तभी कह रहा था कि वहां पर इतनी स्ट्रांग चीजें हैं तो आप आ कैसे गए किस्मत वाले ही थे एक वो ऐसी जगह है जहां पे मैं दोबारा कभी नहीं जाना चाहूंगा अच्छा हाँ मैं तो पहली बार भी नहीं जाना चाहूंगा <laughs> <laughs> भाई मतलब जितनी सुनते हैं ना ये चीज है मुझे ऐसा लगता है बस मुझे कि मेरे को सुनने में अच्छी लगती है बस मैं इमेजिन कर सकूं मैं कुछ फील नहीं करना चाहता है। मतलब बोलते हैं ना कि यार नहीं आप यहाँ जाओ आप ये आ, इस पहाड़ पे जाओ ऐसे फील होगा ये होगा मैं वहां जाके देख सकता हूँ पर ये ऐसी चीज है जो, जो मैं आपको फील ही नहीं, 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 नहीं करना चाहता मतलब और, अच्छा है ना फील करो हाँ, मैं जैसे आप अभी बता रहे थे कि भाई आपको, आप उसकी डायरेक्टरी में मत घुसो वो आपकी हाँ ये मैंने अपने में भी बना रखा है यार भाई तुम अपने स्पेस में खुश रहो मैं अपनी स्पेस में खुश रहूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जैसे अभी आपने बताया कि भाई ये वैसे हम नहीं पहुँचाती कि गला वाला दबा दिया ये वो बता रहे थे कि भाई आप जितनी बार भी ऐसी जगह जाते हो आपको लॉस होता है किसी ना किसी चीज़ में किसी, हाँ पहले होता था अच्छा हाँ तो ये है एक तरह से जब मैं स्परिचुअली स्ट्रॉन्ग हुआ तब अब मेरे साथ कुछ नहीं है ओके मतलब पहले आप पहले बहुत मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं भाई पूछो मत पूछो बताओ <laughs> मतलब मैं जब भी आया हूँ ऐसी चीज़ में मतलब मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया और होता तो है ना वर्कआउट करने का मन छूट जाता है सब कुछ है यार छोड़ रहा मैं ऐसी पूरे टाइम ऐसा लग रहा है नींद आ रही है आंखों में नींद नहीं है आंखों में वैसे मतलब लग रहा है कि कितना ही मतलब खस्सी हो गया बंदा यार ऐसे बंदे तो बहुत सारे होंगे मतलब मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगा तो ब्लैक मैजिक है भाई बहुत सारी चीजें हैं हाँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अपने साठ से सत्तर परसेंट जो बंदे जो देख रहे हैं भाई उनको ये मतलब उसका शिकार हुए होंगे कि घर पे मतलब बैठने का मन नहीं करता हाँ। जैसे मैं अपना भी बता रहा हूं कि घर पे बैठने का मन नहीं करता कुछ काम करने का मन नहीं करता बस ऐसा करता है बस लेटे रहो लेटे रहो फोन में आप अपना जो हम रील ऊपर करते रहो उसका भी रीजन है छुपने के लिए कुछ मेरे मेरे दिमाग में ये ना है कि काम पड़ा है वो हाँ। उसमें ही रहे डाइवर्ट माइंड <laughs> ये भी ब्लैक मैजिक है भाई बहुत सारी देखो अब हर चीजों को तो ब्लैक मैजिक कह नहीं सकते कई बंदे मैंने बताया ना एक बंदा मेरे जिम पे आया वो आगे पूरा ऐसा हो रहा कि भैया मैं मतलब तो मर जाऊंगा ये हो गया वो गया मैं कोई सीरियस ही चीज़ होगी होगी इसके साथ पूरा वो भैया उसको उसका भाई लेके आया उसको करा भैया इसको थोड़ी सी ना वर्कआउट वर्कआउट कराओ ये तो पागल हो गया है ये है वो है ना क्या हो गया भाई सोचो कोई इसकी फैक्ट्री बंद हो गई लॉस हो गया क्या हो गया भैया लड़की छोड़ गई <laughs> इसकी मैं साड़ा इसके देख कौड़ी दो चार कमर पर ठीक हो गया <laughs> अब ऐसों का तो भाई कोई इलाज ही नहीं है ठीक है आपको जिंदगी से थोड़ा बहुत लड़ाई खुद करनी पड़ेगी ऑब्वियसली है भाई ठीक है थीक भाई, भाई एक है ना गेम है मैंने अभी रिसेंटली रिसर्च कर रहा था, था तो मेरे को मतलब आपके लिए नहीं वैसे रिसर्च कर रहा था, था ना तो वो दिखा मेरे को एक लिफ्ट गेम है जो पैरल यूनिवर्स में पहुंच जाता क्या ये फेक करके है, देखा फेक है चीज़ें वो सब फेक चीज़ वो है चीज़ें है भाई ऐसा ऐसा कोई रिचुअल्स नहीं है सिर्फ मंत्रों की ही शक्ति और सिर्फ आप आ, ऐसे करके देखा है वो हाँ मैंने सब करके देखे सारे गेम करके देखे ब्लडी मैरी ब्लू वेल ये ब्लू बेबी वेल और ये ओइजा बोर्ड काफी खेला है लूडो हाँ खेल अच्छा, ही खेला है, हाँ। है, भाई, तो खेला है मैंने. <laughs> ये सारी चीजें करी है रात के तीन तीन बजे घर में बैठ के बहुत सारी चीजें करी है वो चार्ली चार्ली सारे गेम खेल रखे मैंने ठीक है लेकिन ये फेक है आप जब वेद ग्रंथों को करोगे ना तो आपको समझ में आएगा उसमें कि आप उच्चारण के थ्रू कुछ चीजें अपने अनलॉक जब ना जब ना एक, एक उसने लिफ्ट चैलेंज मतलब लिफ्ट वाला ही ये कुछ किया था जिसमें फॉरन में वो, वो आप फिर गलत आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो है हाँ वो वीडियो है लेकिन वो लड़की वो एलिसा लैम है

तीन ही हफ्ते से ड्रामा चल रहा था ये इक्कीस दिन से ही तीन मौतें हो गई हैं घर में कहीं ना कहीं अपने आप आग लग जा रही है घर के सारे सदस्य है ना बाहर टेंट लगा के बैठ गए थे पूरा गांव बैठ गया था पूरा गांव बैठ गया, गया था और उनकी मतलब न्यूज में आ रही है अलग अलग चीजें हो रही है बड़ा हाईलाइट हो गया था मामला ये यार ये देखना चाहिए इस घर में बंदा एक रात रुकेंगे इस घर में आराम से देखी जाएगी जो होगा अब लेकिन वो परसों आ गया कि वो बंदा था इन का कोई वो क्या था नॉलेज थी उसको बहुत ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स की और इन चीज़ों की तो वो कैसा केमिकल रिएक्शन करके रख देता था कि एक दो दिन बाद ऑटोमेटिकली आग लग जाती थी और उसने कुछ ऐसे पॉइजन्स वो कर रखे थे कि उसको पता था कि क्या उसमें आएगा मेडिकल रिपोर्ट में कितना नहीं आएगा तो वो हिसाब से वो मेडिकल का बंदा बताया ना हाँ मेडिकल का ही था वो हॉस्पिटल में ही काम करता था लेकिन फिर भी वो पोस्टमार्टम में आ गया पॉइजन तो दो बच्चे मार दिए हम मखाई और ये बताया वो उसने ऐसा किया क्यों था नहीं अभी तो नहीं है अभी तो पुलिस कस्टडी में, तो हाँ। में मजा आता है लोगों को मतलब देखने में मजा आता है सुनने में मजा आता है यार पता नहीं लोग कैसे है अजीब दुनिया अजीब हो गई है बहुत अजीब मेंटेलिटी हो गई है मैंने ऐसा बंदा देखा भाई जिसको आप कहोगे ना ओए तेरी बैड सुसू कर देगा वो लेकिन वो कुत्तों को मार रहा है ये कर रहा है उसको मजा आ रहा है हम ऐसे बंदे हैं हम कहीं भी ऐसे बिठ जाते हैं लेकिन यार ये गलत चीज़ होते हुए हमारा दिल पसीज जाएगा नहीं यार, यार ये नहीं होना चाहिए हो, सारा ये गलत हो रहा है लोगों की मैंटेलिटी पता नहीं कैसी हो गई है तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और भी निकाल सकते तो ऐसी जगह निकाल रहे हैं छोटी छोटी बच्चों के साथ आजकल क्या क्या होता है पता नहीं लोग क्या हो गए मतलब ये भूतों से तो क्या ही डर है <laughs> भूत की बात कर रहे थे हम तो अब आप भी मतलब इतनी जगह हो जाए चार सौ साढ़े चार सौ जगह बता रहे हो तो को, कौन सा ऐसा मंत्र है जो आप भी करते हो कि भाई ये तो जरूरी है ओम शिवाय नमस्तु एक मंत्र है ये दो मंत्रों को ही मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे तो मैंने कम से कम पचास मंत्रों की रीली बना रखी है हाँ ठीक है लेकिन दो मैं ऐसे पावरफुल मंत्र रिकमेंड करूँगा जो हर बंदे को दिन में जाप करने चाहिए अच्छा श, आ, शिव पुराण में लिखा है ओम शिवाय नमस्तुभ्यम शिव। हम शिव को नमस्ते करते हैं सिंपल एक साल ग्यारह दिन रोज ग्यारह बार इस मंत्र का उच्चारण अगर कोई कर लेना वो अपनी जिंदगी में उल्टा मुड़ के नहीं देखेगा और दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल क्रिएशन मंत्र जो है ओम नमः शिवाय इससे ऊपर ना कोई मंत्र था ना कोई है और ना कोई होगा पूरे ब्रह्मांड की रचना ओम नमः शिवाय की ध्वनियों से हुई है hmm. पूरी गैलेक्सी साउंड से ही सब कुछ बना है इतना तो ओम नमः शिवाय की जो ध्वनिया दोन। है ना hmm. इन ध्वनियों से ही सब कुछ मतलब आप ओम नमः शिवाय का जाप करो आपको कभी भी डर लगे ना ऑल इज वेल मत बोलो आपको कभी भी डर लगे ना ओम नमः शिवाय उसी समय है ना उसी समय देखना आप कभी भी आपको रहा ओम है ओम नमः शिवाय उसी समय आपको ऐसी पावरफुल फील होगी ना मतलब अंदर से वाई भी अंदर से वाइफ आएगी कि यार की आप

मेडिटेशन देखो पता है कई बंदे होते हैं मेडिटेशन अलग अलग तरीके से करते हैं मैं सबका वे बता नहीं सकता आप मतलब ध्यान. ध्यान मतलब आजकल का, का यूथ तो भाई ओवर थिंकिंग इतनी, इतनी करता है ओवर थिंकिंग करता है बहुत सारे बंदे तो ऐसे हैं जो कि अगर भगवान का जाप या पूजा करने में बैठते होंगे तो उनके माइंड में बहुत नेगेटिविटी और पोर्नोग्राफी ये ये भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं हाँ। और ये शुरू में आएंगी ही आएंगी क्योंकि नेगेटिव चीज आपको रोक रही है ये सब करने से कई बंदे क्या करते हैं इस चीज की वजह से ना मैंने जो जहां तक मैंने देखा है भगवान का ध्यान ही नहीं करते उनको लगता है कि एकदम से मैं भगवान का ध्यान करूंगा मेरे मन में गंदी चीज आ जाएगी वो डरे ना इस चीज से उससे लड़े अब क्या है मेडिटेशन करने का क्या है कुछ नहीं है आप एक कील देख लोके okay. आपको बस उसी में थॉट रखनी है आपकी थॉट फिर जाएगी इधर उधर कुछ और आएगा अरे उसने मेरे को ऐसा बोला था अरे ये ये, ये करना है अरे ये मेरे फोन मेरा फोन बज तो नहीं रहा ये फिर लेके आओ कील हुँ. जो प्रैक्टिस है ना वो आपको परफेक्ट बना देगी थोड़े दिनों में ज्यादा नहीं पैंतालीस दिन करके देखे कोई बंदा फोकस लाइफ में उसको इतना मतलब इतना ज्यादा वो मिलेगा अच्छा आपको पता है कुछ ही कुछ भी चीज है ना क्रैक करना बड़ा आसान है हमें लगता है ऐसा कि बड़ा मुश्किल है जैसे कि कुछ भी चीज़ कोई गोल हो किसी बंदे का कुछ भी हो कुछ इम्पो कुछ वो नहीं है फोकस वो मेडिटेशन करना शुरू करे वो जो नहीं कर रहे हैं ना वो उनसे अपना ऊपर उड़ जाएगा उसको पता होगा मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना एक बारे में सुना होगा ये पहले थाईलैंड में सेंटर थे okay. अब ये आपके यहीं खुल गया सोना रोड सोना इसके पास भी है okay. किसी बंदे को लगता हो बंदे क्लबों में जाते हैं गोवा जाते हैं इतने पैसे फूक देते हैं मैं तो मच रिकमेंड करूंगा हर बंदे को तीन से चार दिन के लिए ना ऐसे सेंटर्स पे जाना चाहिए अलग अलग जगह खुले हैं ये क्या करते हैं वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है कुछ अलाउड नहीं है अच्छा हाँ एक दिन आपको ना बड़ी बेचैनी रहेगी वैसे दस दिन का होता है लेकिन अगर आप तीन दिन वहां रुक गए तो रुक जाओगे तो इसमें आप आगे बैठोगे अब आपको आगे बैठना आपको लकड़ी का तख्ता दिया जाएगा उसी पे आपको बैठना उसी पे सोना है एक टाइम खाना मिलेगा और फोकस 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 दस दिन के अंदर ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको है ना यस मैन नहीं बनना आपको किसी को खुश नहीं करना लाइफ में आपको अपने ऊपर फोकस करना है अपने ऊपर ध्यान रखना है अभी हमारी आधी जिंदगी है ना बस इसी कि भाई को अच्छा लगना चाहिए मैं भाई को खुश रखूं भाई मुझे खुश रखे कोई खुश नहीं रह पाएगा हर कोई अपने आप को खुश रखने लग जाए सारे खुश रह लेंगे मेडिटेशन ये सिखाता है और इसमें जाएंगे कैसे भाई अभी सेंटर गूगल पर डालो आप okay. हर जगह खुले हुए जाके ज्वाइन करो बहुत बढ़िया चीज है इसके बारे में यूट्यूब पे भी बहुत सारी हैं देखना Back to horror आते हाँ भाई भाई तो ये, तो ये ये और चले आए हो ये देखने ना <laughs> <laughs> तो गए में क्लाइमेट वहां का साउथ में आपको बहुत हॉरर चीजें मिलेंगी क्लाइमेट वहां का वैसा है में मतलब ये कह सकते हो आप मेरे ख्याल से स्पेस इतना है इसीलिए नहीं एनर्जीज अच्छा वाटर के अंदर नमक कंटेंट है हाँ। आप कभी गोवा में घूम ना हाँ। नॉर्मली थोड़ी देर बाद जीप पे होट फेरना नमक मतलब अच्छा। होट पे जीप फेरना नमक मुंह में आएगा ना एनर्जी का सोर्स है उनके लिए ये अच्छा वहां की क्लाइमेट में नमी है पर मैंने सुना है नमक से तो ये एनर्जी दूर भागती है भाई वो ब्लैक मैजिक में होता है और भी चीजें होती है अलग अलग सबके मतलब अच्छा कोई चाय दूध में पत्ती डाल के बनाता है कोई पहले पानी में पत्ती डाल देता है सबके अलग अलग टोटके हैं ये, है। <laughs> तो ये वो वाले हैं वो जिनको अनुमान सभी आती है कई अच्छा थ्री किंग चैपल है गोवा में ओके okay. थ्री किंग चर्च के नाम से भी जाना जाता है मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है गोवा की और शाम के सात बजे कोई भी नहीं रुकता वहां पे लेकिन हाँ कोई जाए तो पास में एक गांव है नीचे ये गांव पड़ता है जहां से ऊपर निकलते हैं वहां पे ग्राम पंचायत से परमिशन जरूर ले लेना क्योंकि वहां पे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो कि वहां पे अब गांव वाले गुस्सा करते हैं लोकल पे बीच में झड़प हो भाई हम चले गए अच्छा पहले तो ये की स्टोरी है कि तीन राजा थे थ्री किंग चैपल था ये ये पूरा राज्य था तो किसी की भी किसी से नहीं बनती थी तो एक राजा के दिमाग में आता है कि मैं कैसे डिस्प्यूट चल रहा था शुरू से ही कि कैसे ये सारा राज्य हड़प सकता हूं तो दावत पे बुलाता है वो दोनों भाइयों को चलो कोई नहीं भाई सुलह कर लेते हैं आज जो भी है छोड़ो और करके ये कर देते हैं खाने में जहर डाल देता है दो राजाओं को मार देता है लास्ट में राजा मरते मरते भी उसको मार के चला जाता है, तीन है। तीनों मर गए तीनों मर जाते हैं और जब से वो तीनों की ही वहां पर स्पिरिट आज भी उसकी रक्षा कर रही है और ऐसा पहला चर्च है जहाँ पे कोई रात को भी नहीं रुकता है मतलब वरना इसके अंदर पादरी या फिर कोई स्टाफ होता है कोई भी नहीं और भाई मैं पहुंचा ना लिटरली मेरे को ऐसा अंदर से आवाज आ रही थी कि अंदर कोई चल रहा है चर्च के अंदर कोई चल रहा है और बड़ी डेंस वाइब है यहाँ की बहुत डेंस वाइब हर तरफ आपको लगेगा कि कोई आपको देख रहा है हर तरफ से कोई आपको देख रहा है किसी की नजरें आप पे हाँ यार गोवा में लगता है ऐसा कभी कभी ना बो, पीछे से कोई देख रहा बहुत है है, बहुत डांस डांस वाइब वाइब है, है की और मैं मैं भाई दो बार गया मैं पर शूट करने ज़्यादा देर तो जो परमिशन चाहिए थी ना कि हाँ। मेरे को चर्च का जो गेट खोलने थे वो नहीं करने दे रहे थे बस लेकिन पक्का अगर कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो हंड्रेड टेन परसेंट वहां पर एग्जिस्ट करती है, की शूटिंग हो है। हाँ, आप दिन में जाओगे ना फोटोग्राफी करते दिखाई देंगे आपको और ये बिल्कुल एक, पे, एक ही चर्चा पहाड़ पे बस उतना ही पहाड़ है ये। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गया हूँ उसके जस्ट साइड में वो है क्या ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड हाँ सातवीं ग्रेव यार्ड है सातवीं ग्रेव यार्ड है और उसका गेट भी बंद है गेट भी बंद रहता है मैं मैं गया भाई भाई वो वो थोड़ी भाई आ मेरे को अलग और... हाँ। आम, आम भी लगती है ना छोटी छोटी जैसे हम पेड़ के नीचे खड़े हुए ना भगवान कैसे ऐसा लगा किसी ने पेड़ ऐसा ही ला दिया हो पड़पड़ पड़पड़ गिरी ऊपर एकदम से वहीं पर ही हमारे ऊपर ही मतलब वहां चाहते आए कोई ऐसी एनर्जी कि वहां पर रुको ही ना खड़े हो जाओ वहां से निकल लो थी मजेदार जगह लेकिन <laughs> ऐसी चीजों से पंगा ना लिया जाए <laughs> भाई को सारे सारी ऐसी चीजें भाई बहुत मजेदार लगती हैं मतलब जिस चीज को तुम करने से पहले सोचोगे वो, वो मजेदार है, है। मजेदार है भाई वो हाँ भाई अभी तक का आपका सबसे हॉरर इंसिडेंट बस यही हुआ है जैसलमेर में मुझे जो लगता है कि वहां पर मेरी जान भी जा सकती थी तो वो वही जगह है जैसलमेर और डिपेंड करती हैं सारी चीजें ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई जिसका लड़के का या फिर लड़की का और वीक हो उसको किसी गली में भी कुछ फील हो जाए ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों का और कंपैरिजन में मतलब लड़कों के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है इसी वजह से लड़कियों पे ज़्यादा इफेक्ट जबते हैं जब वो अपने उस पर होती हैं ओके okay. तब उनका और बहुत वीक होता है ओके okay. और तभी उनको पोजस्ट कर सकती हैं ये सारी चीज़ें ओके okay. क्योंकि मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था तब वहाँ पर बताया था हाँ कि सेवेंटी टू एट्टी परसेंट फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा आती है बढ़िया किस्सा याद दिला दिया भाई ने किसी भाई मेहंदीपुर मेहंदीपुराजी चले गए हम दो बार गया हूं मैं पहली बार जब मैं गया था तब मैंने सोचा सब ड्रामे हैं ये है आ, सब... मुझे भी लगता है यार मतलब मैं एक बार ही गया हूं लेकिन मैंने एक ऐसी चीज देखी ना उसके बाद मैं सारे ड्रामे हो सकते हैं है। हो सकता है वन नाइनटी फाइव परसेंट ड्रामे कर रही हूँ कहना नहीं चाहिए ऐसा लेकिन हो हो कुछ नहीं पता किसी का भाई मैं दूसरी बार जब गया ना एक ग्यारह साल की लड़की कितनी ताकत हो सकती है उसमें कितनी ताकत हो सकती है मंदिर के अंदर लाइन से जाए जा रही थी वो कर कर तो वो भी वैसी रही थी मंदिर का गेट उसका इतना ही है आपको सर झुका अंदर जाना पड़ता है उसने दोनों हाथ अपने रख लिए अंदर नहीं घुसूंगी कम से कम पैंतीस से चालीस आदमी लग गए वो हाथ नहीं नीचे हुए भाई कितनी पावर आ सकती है ग्यारह साल की बच्ची में ये बताओ आप उसके हाथ नीचे नहीं करवा पाए वो और अंदर भी नहीं गई वो अच्छा वो कहने लगी मैं अंदर नहीं जाऊँगी और चिल्लारी और उसने ऐसे हाथ ऐसे बस रख लिए और भाई ये मेरे गूजबाम आ गए वो सोच के उसने ऐसे हाथ ऐसे पकड़े बस और चिल्लारी पागलों की तरह और बंदे उसके हाथ नीचे उसको अंदर धकेल रहे उसको हिला भी नहीं पाए एक एक सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं कर पाए उसे ऐसी खड़ी रही वो पर जैसे बताते हैं वहां पे कि भाई आप उस टेरिटरी में मतलब उस ऊपर एरिया में मंदिर के पार करके ऊपर जब वहां पर पहुंचते हो तो बंद जाते हो लेकिन वो वहां तक पहुंची नहीं ना वो अंदर घुसी नहीं ओके कोई एनर्जी ऐसी होगी जो उसके अंदर जो भाई स्ट्रांग हो तो बहुत ज्यादा और लोग बोलते हैं कि भाई पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए और प्रसाद लेके नहीं आना चाहिए देखो हर बंदे के साथ ना कभी ना कभी ये सिचुएशन जरूर आई होगी कभी लेकिन हमें ना इतने यूज हो चुके हैं ना इन चीजों के कभी इन पर ध्यान नहीं दिया हमने हाँ। आपको लगता है पीछे से आवाज मारी किसी ने पीछे मुड़ के देखा बहुत बचपन से पता नहीं कितनी बार हो चुकी है हुआ क्या है ये कभी सोचा इसके बारे में बैठ के आराम से मतलब और ये ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हर किसी के साथ हो रखा होगा हर एक बंदे के साथ कि आवाज आई है पीछे से और पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं तभी बड़े बुड़े कहते थे पीछे बुड़े के जब कोई आवाज़ तो देखना नहीं चाहिए क्योंकि उसको पता लग जाता है है है। कि ये मेरी चीजों को सुन सकता सकता तो तो वो आपको उस चीज़ में यूज़ कर ओके मैं ना देखू वही मैं तो... <laughs> भाई घूम के आगे आ ऐसे हुआ मैंने बहुत देखा पीछे भाई कोई भाई पता है क्या बहुत सारे बंदे रिलेट कर पाएंगे हमारी बातों से जिनके घर में ये दिक्कतें बेचारों की होती है मैंने क्योंकि ऐसे बंदे देखे हैं जिसकी मम्मी बहन इन चीज़ों से पॉजस हो रखी है और वो परेशान हो गए अभी मैंने हाल ही में एक किस्सा देखा है मैं अपनी फैमिली में मैं नाम नहीं बताऊँगा अभी जस्ट बात है ये मैंने ये सोचा था मैं कहीं बताऊँगा नहीं लेकिन मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे तो मैं बता देता हूँ अभी मेरे फैमिली में में मतलब क्या हुआ मेरे सामने अब नहीं नहीं उम्र मैंने सोचा इसने कोई ले लिया कुछ नशा हाँ कर लेते हैं बाढ़क बुढ़क है वैसे वो बच्चा ऐसा है कि कोई सिगरेट भी पी रहा होगा तो वो खड़ा होकर चला जाता है लेकिन मैंने कहा दोस्त यार ने शरारत कर दी हो भाई मैंने देखा मैं आया मैं उससे पूछ रहा कहाँ गया था सच सच बता तू कल से कहाँ है तू परसों से अब मैं मैं बताता हुआ क्या रात उसने सही बढ़िया अपने बर्गर फ्राइज मंगाए खाए कोई दिक्कत नहीं अगले दिन वो सुबह पता है कैसे आ रहा है कमरे में उसने टी शर्ट पैरों में पहनी हुई है और आगे बेड पे लेट गया मेरे मैं मेरी ताई की डेथ हुई थी मैं वहां पर मेरे पास फोन आया कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब है एक बार घर आ मैं घर में पहुंचा फटाफट मैंने देखा मैंने उससे बात कर उससे पहले मैंने राकेश को भेज दिया क्योंकि राकेश वहीं अवेलेबल था पास में तो उसको पहचान नहीं रहा कौन है ये ठीक है मैंने कहा मैंने सोचा मैंने इसने कुछ ले लिया और शायद ये ड्रग्स व्रग्स कुछ ऐसा हो सकता है डाउनर वाउनर है तो ये ऐसी हरकतें हो रही है अच्छा और ये क्या हो रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ कहाँ गया था तू तो हाँ 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 तीन दोस्त पचास हज़ार रुपये दे दिए ये क्या बातें कर रहा है मैंने उसको मैंने उसको प्यार से बोला मैंने कहा कोई नहीं यार ये मेरे साथ भी हो गया था तो तेरे साथ हो रहा है ना हुँ. उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने कहा मेरे साथ भी हो गया था कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है चल चिल कर सही हो जाएगा चल घुमा के लाऊं तेरे को चल इस बार चले घूम के आए सब नॉर्मल इतने में फ़ोन बचता है उसका और वो हाथ कांप रहे हैं उसके ऐसे मैं देख रहा हूँ ये फ़ोन का पासवर्ड डाल रहा है और वो गलत डाल रहा है फोन में लॉक लग गया एक मिनट का एक मिनट बाद लॉक खुला फिर पासवर्ड डाला उसने फ़ोन में लॉक लग गया पांच मिनट का मैंने कहा सीरियस मैटर है मैंने ऐसे हॉस्पिटल लेके चलो तो मैंने सोचा इसने सुबह से खाना नहीं खाया जब ऐसी चीज़ ले लेते हैं तो भूख वूक नहीं लगती है तो मैंने उसको जबरदस्ती खाना खिलवाया एक गिलास बढ़िया लस्सी पिलवाई एक रोटी खिलवाई एक लस्सी पिलवाई और भाई उस कि उसने एकदम से चिल्लाया वो हो और भाई उसके हाथ पैर ऐसे अकड़ गए और भाई हम पांच छह छ मेरी तो हवा खराब देख के भाई उसे उठाया फटाफट गाड़ी में डाला दो तीन किलोमीटर हॉस्पिटल था भाई हॉस्पिटल पहुंचा डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोला तो डॉक्टर को शक की इसने कोई पॉइजन वोइजन लेकिन ऐसी कोई माहौल ही नहीं यार। कैसे बच्चा पॉइजन खा ले पहुंचे हम बैठाया उसको अब उसकी हालत ऐसी होश में नहीं है वो okay. कि डॉक्टर वो कह रहे हैं जो आपने इसको खिलाया है ना उसकी नली में फंसा हुआ है खाना और इसकी हालत ऐसी भी नहीं है ये होश में ही नहीं है क्योंकि बेहोश है कि हम इसको वॉमिटिंग करा सके तो पाइप डालने पड़ेंगे जबी जबी पाइप डाले गए कल ही आया घर हॉस्पिटल से और टेंशन की बात यह है कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है अगर कोई चीज़ निकलती तो कम से कम उसका ट्रीटमेंट तो होता डॉक्टर को पता ही नहीं है हुआ क्या है फिर पता करने की कोशिश की अब देखते हैं लगे हुए ये जैसे आप इतनी जगह जाते हो जैसे जा आपने बताया कि मैं घर भी डायरेक्ट नहीं जाता तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये साइड कर देता हूँ यार ये कहीं गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाए घर वालों पे अब लग ये बताया अब लग रहा है हाँ अब क्योंकि आपका और ऐसा है ना भाई जरूरी थोड़ा ना सामने वाले का और ऐसा हो हमारी पैराटोल साइंस में भी यही सिखाया जाता है कि अगर आपका और स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी फील्ड पे जाते हो तो आप कैसे वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को देख सकते हो आप किसी वीक और वाले को ले जाओ उसके थ्रू आप वो चीज़ फील कर पाओगे वही तो बस वही अभी आया दिमाग में जब से थोड़ा सा मजाक कहानी वानी में अच्छी लगती है चीजें जब आप... वो है ऑब्वियसली बंदे घर पे बैठ के जो करने भी मम्मी लाइट जला दे <laughs> वो कमेंट मार देते हैं मजे नहीं आ हाँ मैंने इस फील्ड में एक चीज सीखी भाई आपको आज ऑनेस्ट बताता हूँ आप कभी खुश नहीं कर सकते जनता को यूट्यूब वाली फील्ड में नहीं किसी भी फील्ड में आप किसी को खुश नहीं कर सकते

समझ रहे हो आप <laughs> तो <laughs> भाई ये तो देखो सेटिस्फाई तो आप हरे इनका कुछ जाना तो, नहीं ये एक दिन आएंगे बस आरआईपी भाई बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते थे <laughs> भाई कैसी बात कर रहा है टेंट ले लिया भाई टेंट तो भाई ले रखे पता नहीं कब से <laughs> अभी मैंने एक हॉन्टेड वेस तो पे कैंपिंग करी थी ओके बच्चों के श्मशान घाट में भाई तुम नॉर्मल तो नहीं हो नॉर्मल पैरा नॉर्मल हो तुम पैरा नॉर्मल तो ही हो भाई ये कोई नॉर्मल वाली बात तो नहीं है कैंपिंग करने जा रहे हैं बच्चों के शमशान घाट में यार नहीं मैंने सुने बड़े किस्से बना चलो हम रुकेंगे रात यार जैसे मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के ऊपर जा रहा हूँ तो जैसे गौरव तिवारी था उसकी बताई गई है मिस्ट्री मौत हुई है एक तरह से

घर पे उसने चीजें बोली ऐसी कि हो सकता है भाई मेरे साथ कुछ हो जाए इन फ्यूचर तो ये कैसे प्रडिक्शन आ सकती है उसे मतलब जि जितना मैंने भी आर्टिकल वगैरह यार वो वो एक ब्लॉगर थे ओके okay. थे ना हुँ. अच्छे अच्छे ब्लॉगर थे उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया हुँ. मुझे कभी भी फ्यूचर में अगर ऐसा फील होगा ना हुँ. तो मैं कैमरे पर जरूर शेयर करूँगा ये बातें अपने घर वालों से तो नहीं करूँगा घर वालों से भी करूँगा लेकिन मैं साथ साथ ये सब चीजें रिकॉर्ड तो करूंगा ना अपने उसके लिए कि भाई मेरे को फील हो रहा है मेरे पास पास कुछ है भाई वो ऐसी कोई कुछ कहीं रिकॉर्डिंग है ही नहीं वो तो बाद में तिल का ताड़ बना दो या फिर कुछ भी बना दो थे लेजेंड इस फील्ड के जहां वो रुके हैं जहां वो गए हैं वहां शायद हम भी जा पाए जिंदगी में एक फॉरन का मॉर्चरी थी उनकी वीडियो देखी थी मैंने एक okay. बाहर की लाशों के बीच रात बिताई उन्होंने जहाँ पे उनको कुछ कैप्चर भी हुआ था तो लेजेंड है मरने के बाद बेचारे वो स्वर्ग में हम यहाँ बैठे हैं कोई भी बातें बन रही हैं उसको मैं दावा नहीं कर सकता भाई मेरे हिसाब से किसी घोष्ट ने तो मारा नहीं उनको वो उन्होंने भी भानगढ़ को बताया था कि ये फेक है शायद ऐसा कुछ उनका aura भी अच्छा हो फिर बिल्कुल औरा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं ओम नमः शिवाय बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय स्पिरिचुअली जितना स्ट्रांग होते जाओगे ना आप हाँ। मैं तुमने बात करी है कभी किसी भूत प्रेत या जो भी है कम्युनिट बहुत सारे मैं बताया था स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है हमने और हमारे एक दोस्त है किसी इस, से इस... सच्चाई निकलवाने की कोशिश करी भाई तू यहाँ कैसे हो या इस टाइप का कुछ मेरा एक दोस्त है उसी को मतलब वो मेरे से सीनियर है इस लाइन में okay. सी के तो उसके साथ में गया था एक जगह और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वो पहले से करता आ रहा है तो उसने गैजेट्स के थ्रू कुछ चीज़ें निकलवाई थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी यार क्या हुआ हम एक वोट में गए और हमने वहाँ पे जाके हम नाव वाले के साथ में हम स्प्रिट बॉक्स पे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तो नाम निकला लड़की का जो भी है वो तो पता लगा उस वोट वाले की ही लड़की है जो यहाँ पे तो मर गई थी और फिर उसने सारी सच्चाई हमें बताई थी कि ऐसे ऐसे इसकी घर पे लड़ाई हुई थी और ऐसे ऐसे सब चीज़ें तो वो एक, एक चीज निकल के आई थी कम्युनिकेशन के थ्रू मिरर गेम क्या है भाई ये मिरर गेम भी भाई बकवास है वैसे वैसे तो तो ये वैसे ये, तो मतलब मिरर्स को बताते हैं कि पैरा जो मल्टी यूनिवर्स होता है या फिर जो दूसरी दुनिया होती है ब्लैक उसमें जाने के लिए यूज कराया जाता है मिरर को हुँ. कभी भी सुना होगा ऐसे कहते हैं कि मिरर को बेड के साइड में नहीं रखना चाहिए वहां से कुछ निकल के आ जाएगा रात को <laughs> रखा है क्या नहीं अभी रखा हुआ था ये निकाल दिया रख दिया क्या <laughs> नहीं आज... वो तो सुना है डर सकते हो सामने कौन बैठा है हो सकता ये ये मेरा परसेप्शन है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है यार सामने रख दिया सही बात है रात को उठा नींदों में और देखा मैंने कहा कोई सामने बैठा है तो थोड़ा अपने आप ही वैसे ही डर जाओगे तो बाकी मुझे नहीं पता

इन्हें कि डरा रहे हो अरे मैं रहता हूँ यार यहाँ पे ये तो स्क्रिप्ट लिख देते तो हैं स्क्रिप्ट ने यार मां कसम भाई मुझे एक सेकंड के लिए जैसे मैं ऐसे ऐसे बैठा हुआ था ना तो एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे ऐसे कोई गया या इस कमरे में गया है? कुछ कुछ ओ फक भाई ओ <laughs> 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 क्या नहीं कोई कुछ भी गया था होम मैं होम मैं होम मैं होम मैं भाई ऑन कैमरा कुछ ऐसा ना दिखाओ मेरे को जो मैं बोलने में मजबूर कर दूं और तुम क्या हो स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड भाई तो मेरे रिएक्शन देखना भाई मैं मतलब कैमरे में वापस से रिएक्शन लगा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा लगा एकदम से शायद पे, पलक पे न, वो, लगता वो आ गया लगती है, है मेरे साथ भी कई दो तीन दिन से जो पॉडकास्ट कर रहा था ना उसमें और डाटा करप्ट हो गया अपने आप लेके रहे मेमोरी कार्ड का और परसों में ऑडियो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुई ये चेक कर लेना सारी चीजें भी हाँ भाई ये चेक कर लियो अभी सारी चीजें ठीक है भाई दोबारा बैठ जाऊंगा एक घंटा कोई दिक्कत नहीं है भाई 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 चेक कर लियो पर क्योंकि ये <laughs> अभी अभी ने ने दिखाई दिखाई है मेरे को, अभी भाई ने मेरे को को कि मैंने एक शूट किया था और उसकी क्लिप शूट ही नहीं हुई मैंने वो वीडियो भी बनाई है आपको दिखाई तो थी मतलब मैंने सोचा आपने अभी डाली नहीं है वो नहीं वो नहीं डाली मेरे डाली नहीं है ना हाँ तभी तो बता रहा हूँ ओहो जय श्री राम भाई, भाई, ने भाई मेरा ना मन नहीं कर रहा ये पॉडकास्ट ये भी खत्म करने का <laughs> बट मैं चाह रहा हूँ इस वाले पॉडकास्ट को मैं फिलहाल यही रखूँ और बाई के साथ में जल्दी दूसरा पॉडकास्ट शूट करूँ जिसमें नहीं मैं जा रहा हूँ अभी दो सीरीज करने अभी तो... महादेव और भानगढ़

मतलब आप आप तो, आपको आप तो बस एक्टर हो जो आ, जा रहे, ले रहे हाँ। कल हमारा तो कल था पहले प्लान हाँ। भाई का मेरे नहीं हूँ मैं। मैं तो तो भाई रात को साढ़े तीन बजे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई दो बजे मिलते हैं ये वो और मैं सुबह आठ बजे शायद रिप्लाई करा था मैं नौ बजे और भाई दोबारा ऑनलाइन ये बंदा अभी रात को साढ़े तीन बजे मैसेज भेज के दोबारा ऑनलाइन बैठा <laughs> भाई हम भी तो है ना हम हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं भाई हमारे अगर घर में कोई होगा तो उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, हम रात भर यार ये ये सो, वो ये सोचना लेकिन कुछ भी हो भाई के कमरे की लाइट जल गई साथ में <laughs> जल्दी नया पॉडकास्ट के साथ में मिलेंगे अभी फिलहाल अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है कुछ भी मतलब कुछ भी कोई सी कहानी अच्छी लगी हो भाई को भी बता देना मेरे को भी बता देना कमेंट में भी बता देना जो

टिल देन नए पॉडकास्ट के साथ में जल्दी मिलते हैं भाई के साथ में भी और आगे भी आने वाले पॉडकास्ट में तो थैंक यू सो मच दीपक you, भाई, भाई। थैंक यू थैंक यू सो मच मिलते हैं